हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिरावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? चलिए, ये प्रतिज्ञा बैच जो मैंने स्टार्ट किया है आप सभी के लिए, डेली बेसिस पे मैं यूपी SSC ऑडिटर के स्टूडेंट के लिए डेली एक एक मैं क्वेश्चन डेली बेसिस में आप सभी के लिए लाता रहूँगा। डेली पर डे मैं एक एक जो क्लास है आपका डेली मैं करता रहूँगा, एक एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थियरी भी आपका हो सकता है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपकी जनरल एंट्री की क्लास है। जनरल एंट्री आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट जनरल एंट्री में, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। जनरल एंट्री भी आपकी एग्जाम में आती है। ओके, या तो बहुत सारे स्टूडेंट को जनरल एंट्री पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि इसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करना चाहिए। जैसे आज मैं यहाँ पे आपको जनरल एंट्री कराने वाला हूँ कि उधार माल क्रय करने पे, आप उधार माल अपने सप्लायर से खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे, मतलब जनरल एंट्री क्या होगी? फॉर परचेज क्रेडिट, क्रेडिट पे आप माल उधार में खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास आउट होगी? ओके, व्हेन अ बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट, जब व्यवसाय द्वारा, जब कोई व्यवसाय में, ठीक है, आपूर्तिकर्ता से आप क्या उधार माल खरीदते हैं, तो क्या जनरल एंट्री पास आउट होगी? देखिए, यहाँ पे आपके दो अकाउंट आपके क्रिएट होंगे क्योंकि आप खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं मतलब परचेज अकाउंट एक आपका ओपन होगा। और किससे आप खरीद रहे हैं? आप अपने अपने सप्लायर से खरीद रहे हैं, और सप्लायर आपके लिए क्या है? क्योंकि सप्लायर आपके लिए अभी क्या है? सप्लायर आपके लिए क्रेडिटर है क्योंकि आप माल उधार खरीद रहे हैं, और जिससे आप उधार में माल खरीदते हैं, कैश देकर नहीं खरीद रहे, आप उधार माल खरीद रहे हैं, तो जिससे भी आप क्रेडिट पे माल वगैरह खरीदेंगे, गुड्स वगैरह जिससे भी आप परचेज करेंगे, तो एक तरीके से आप उसके कर्जदार हो गए और वो आपका लेनदार हो गया, वो क्रेडिटर हो गया, आपसे पैसा लेगा तो लेगा अपने गुड्स का, कभी ना कभी तो आपसे लेगा ही। ठीक है, तो सप्लायर से आपने माल खरीदा तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन होगा, वो क्रेडिटर अकाउंट ओपन होगा, और यहाँ पे जनरल एंट्री जो पास आउट होगी, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिटर अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, इसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, परचेज अकाउंट और यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, या परचेज जो है आपका, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके लिए, परचेज आपके लिए एक्सपेंसेस ही तो है। जब आपने माल खरीदा तो आप, मतलब अगर 10,000 का माल खरीदा तो 10,000 आपके हाथ से जा रहा है, मतलब कैश आपके हाथ से जा रहा है, जहाँ पर भी आपके हाथ से कैश जाएगा, ठीक है, मतलब आपका खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस होगा, जहाँ भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट आपका रूल कहता है, जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो हम उनसे क्या करेंगे? उन्हें हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और जब हमारी इनकम होगी, बेनिफिट होगा, तो उन्हें हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है। तो परचेज आपके लिए क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है, सो डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा खर्चा है और इंक्रीज हो रहा है। भाई, पैसा देकर आप माल खरीद रहे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं, तो कभी ना कभी तो पैसा आप देंगे, तो एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट आपका हो गया। यहाँ पे समझ में आया आपको परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? तो परचेज अकाउंट डेबिट, आप क्रेडिटर अकाउंट को क्यों यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, ये भी ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए, क्रेडिटर जो है आपकी क्या है? लायबिलिटीज़ है। एक तरीके से क्रेडिटर अगर हम देखा जाए तो ये पर्सनल अकाउंट है। भाई, किसी व्यक्ति से आप लेंगे, किसी भी से भी लेंगे, राम श्याम गीता तब किसी से भी आप माल गुड्स वगैरह उधार पे लेंगे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिटर होते हैं ये आपकी लायबिलिटीज़ मानी जाती हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। तो क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब आपकी क्रेडिट इंक्रीज होगी, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, क्योंकि हम माल उधार खरीद रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, भाई नियर फ्यूचर में पैसा देना ही देना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ने पे हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू क्रेडिटर अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके, आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अभी सब आपके डाउट क्लियर होंगे। देखिए, हमने यहाँ पे माल परचेज किया है, ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ 3,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड कंपनी से, हमने ABC लिमिटेड कंपनी से 3,000 रुपये का माल क्या उधार हमने माल खरीदा है, 3,000 रुपये का ABC लिमिटेड से 3,000 का माल हमने उधार खरीदा है, तो परचेज अकाउंट यहाँ पर आपका डेबिट होगा। और ABC लिमिटेड जो कंपनी है, इससे हमने माल खरीदा है, इसने हमें दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आपकी परफेक्ट जनरल एंट्री होगी, गुड्स वर्थ 3,000 परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड कंपनी ऑन क्रेडिट। ओके, तो ये आपकी परफेक्ट जनरल एंट्री होगी जब आप माल उधार किसी से खरीदते हैं। आई होप आपके डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप का जनरल एंट्री कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, आपसे मिस्टेक नहीं होगा।
तो आप सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको परफेक्ट तैयारी करनी है कॉमर्स की। ओके या